हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पाउच सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग सोच रहे हो तो जेन एनर्जी और गांग एनर्जी वैसे तो कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जीज है, पर उनमें बड़ा सिमिलरिटी है। मेरे जो करंट टैलेंट है, मैं उसे विंड मूवमेंट टेक्निक को आसानी से कॉम्प्रीहेंड कर सकता हूँ। चलो मैं ट्राई करता हूँ। फिर जो ईविल ड्रैगन है तो बिल्डिंग तोड़ रहा, बॉस जो होता है मार्शल आर्टिस्ट वो उसे मार रहा होता है। फिर 15 मिनट के बाद लुजंग अपने आईज को करता है। तो चैप्टर नंबर 218 की स्टार्टिंग होती है। फैंग बोलती है, तुमने कितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंड किया। लुजंग बोलता है, मैंने मैक्सिमम कर ही लिया है, मैं अब इजीली यहां से एस्केप कर सकता हूं। वो जो इविल ड्रैगन होता है वो रोर कर रहा होता है, और फैंग की जो फिशिंग रॉड होती है, वेल फिशिंग वायर होती है, उसे मुंह से तोड़ देता है। वो फिर बाहर की तरफ निकल जाता है और उड़ रहा होता है। बॉस बोलता है, सिर्फ एस्केप मत करने देना पियर, अपनी इम्प्रिजनमेंट स्किल को यूज करो। जो पियर होती है, वेल वुमेन का नाम है, वो अपने रोज से जो फ्रेग्रेंस होती है, वेल उसे ड्रैगन की तरफ भेजती है। फैंग बोलती है, अभी उसने अपने टारगेट को चेंज किया है, तो ये बेस्ट टाइम है ब्रेकआउट करने का उसकी पावर को, जो कि उसने इम्प्रिजनमेंट की लगाई तुम्हारे ऊपर। क्या तुम रेडी हो? लुजंग बोलता है, हाँ। लुजंग उस लड़की की पावर को छुड़ा लेता है। लुजंग बोल रहा, तो मैंने नलीफाइड कर दिया पावर ऑफ इम्प्रिजनमेंट को, अब मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे बस जल्दी से अपनी जेन एनर्जी को एक्टिवेट करना है। लुजंग फिर अपने हैंड को कंट्रोल कर पा रहा होता है, अपने आप को जेन एनर्जी से कवर कर लेता है। वो जो ईविल ड्रैगन होता है वो नीचे गिर जाता है और सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है आधी। पियर बोलती है, इससे मैंने सेटल कर लिया सब कुछ। फिर वो नोटिस कर लेती है लुजंग को, लुजंग वहां से भाग रहा होता है। लुजंग एक छत के ऊपर पहुंचता है, एकदम से टेलीपोर्ट हो जाता है, वहां से एकदम से गायब हो जाता है। वो स्वॉर्ड वाला मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था, सिस वो छोटा जुआ आपकी जिसके ऊपर आईज थी वो भाग गया है। बॉस बोलता है कि उसे भागने मत देना, ये बुरा हो जाएगा अगर वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन की एग हैचिंग में कुछ प्रॉब्लम लाएगी तो। पियर बोलते कि क्विंग फैंग ने ऑलरेडी एक बैरियर को सेट कर दिया ड्रैगन एग के पास, तो वो उतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा उसे डिस्टर्ब करने के लिए, है ना। पर मैं फिर भी चेज करती हूँ उसके पीछे। वो पीछे से जल्दी से भाग रही होती है। फिर हमें दिखाई देता है लुजंग बड़ी जल्दी भाग रहा होता है। फैंग सोच रही होती है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका टैलेंट, ये ऑलरेडी इम्प्रेसिव है कि अगर ये 30% कॉम्प्रिहेंड कर पाता क्लाउड चेजिंग मूवमेंट टेक्निक को। तो मैंने इसलिए बताया था उसे क्योंकि ये लास्ट रिजॉर्ट था, पर इसने कम्प्लीटली मैनेज कर लिया इसे पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड करने के लिए इतने ज्यादा कम टाइम में। ऐसे 7th ग्रैंड पर बाकी इसके सर में रह रहे हैं, पर नॉर्मल पर्सन नहीं है। ऐसा तो जेन्युइन ड्रैगन रियलम भी जीनियस से भरा होता है, और वहाँ पे भी ऐसा कोई भी नहीं है जिनका इसकी तरह टैलेंट हो। लुजंग आगे के भागते भागते लुजंग को गेट दिखता है, लुजंग उससे एंटर करके बाहर निकल जाता है। लुजंग हैरान होता है, लुजंग सोच रहा होता है कि नहीं, जो टेलीपोर्टेशन गेट है वो तो रुका हुआ है, क्लोज है, ये जो गेट है ये कुछ भी नहीं है, अब डेकोरेशन है। वो जो फीमेल होती है फियर, वो वहाँ पे आ जाती है और बोलती है, तुम सरप्राइज्ड हो, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। लुजंग बोलता है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है तो तुम इतने ज्यादा परसिस्टेंट क्यों हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। फियर बोलती है, किसने बोला कि मेरा ग्रज है तुम्हारे अगेंस्ट में, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए तुम मेरे साथ आओगे, तुम समझती हो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे प्लेस में ले जाऊंगी जब हम यहाँ पे कम्प्लीटली चीजों को खत्म कर देंगे। जो असेंशन टनल है तुम्हारे वर्ल्ड की, वो वैसे भी रियूंड हो गई है, तुम यहाँ पे पूरी तरह से ट्रैप तो नहीं होना चाहते हो, है ना। लुजंग कुछ नहीं बोल पा रहा होता, सोचता होता है कि अच्छा ये गर्ल्स में है। फैंग नियानियन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़की की तुम्हारे ऊपर आंखें हैं। फैंग नियानियन बड़ी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है, किसे बोल दो कि हेल को चली जा बदतमीजी औरत। पियर बोलती है, मूव मत करो, एक अच्छी लड़की बनके मेरे साथ आ जाओ। वेल वो फिर से रोज की पावर को यूज करती है, लुजंग इन्फ्लुएंस हो जाता है, लुजंग ब्लश कर रहा होता है। पियर बोलते है, मेरी तरफ देखो, अपनी कंसंट्रेशन को लूज मत करो। वेल लुजंग पूरी तरह से गायब हो जाता है, वेल खो गया होता है मन में ही। फैंग बोलती है, तुम्हें सेड्यूस कर रही है, जल्दी करो और यहाँ से भागो। लुजंग फिर होश में आ जाता है, वेल अभी किस हो जानी थी। लुजंग फिर जल्दी से मूव करता है। पियर बोलती है, ओ डियर ये तो फिर से भाग रही है। लुजंग भाग रहा होता है, सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमने वो पीछे छोड़ दी है, क्या कोई स्पेस फ्रैक्चर है क्या नियर बाय, हमें जल्दी से इस प्लेस को लीव करना पड़ेगा, जितना ज्यादा जल्दी हो सकता है उतना ज्यादा जल्दी। फैंग बोलती है कि मेरे को लगता है यहाँ पे कोई है। लुजंग आगे की तरफ मूव करता है, वो भी हैरान होता है क्योंकि आगे एक फ्लावर आ जाता है। वेल पियर आ गई होती है, बोल रही थी तुम एस्केप नहीं कर सकते हो। लुजंग बोलता है, लुजंग फिर से मुड़ता है और पीछे की तरफ भाग रहा होता है। वो एक जगह पे पहुंचता है, वहां पे बैरियर होता है, वो बैरियर ने एक कैसल टाइप को कवर किया होता है। लुजंग बोलता है, ये क्या प्लेस है, मैंने नोटिस क्यों नहीं किया पहले। वो बैरियर के अंदर पूरी तरह से बंद होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि जो फ्लो है टाइम का बैरियर के अंदर वो डिफरेंट है आउटसाइड से, अंदर बड़ा ज्यादा फास्ट है, इस टावर के अंदर क्या है। फैंग बोलती है, मुझे भी कोई भी क्लू नहीं है, पर जो बैरियर है उसने आउटसाइड को कम्प्लीटली सील कर दिया है। पियर बोलती है कि लिटिल वन तुमने कुछ नोटिस किया क्या हो रहा है अंदर। लुजंग बोलता है, क्या है अंदर। पियर बोलती है, क्या तुम मेरे साथ आओगे अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो, मैं ये प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें मिसट्रीट नहीं करूंगी। वेल ये तो पीछे पड़ गई है लुजंग के, वेल इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा जब इसे पता लगे कि अंदर एक लड़के की आत्मा है। लुजंग
बोलते मैं कंसिडर करूंगा अगर कुछ अंदर ऐसी चीज होगी जिसमें मेरा इंटरेस्ट जागेगा तो। पियर बोलते अच्छा एंसेस्टर ड्रैगन है अंदर, अब बताओ तुम इंटरेस्टेड हो। लुसंग बोलते क्या एंसेस्टर ड्रैगन। पियर बोलते तुम सही बोल रहे हो पर ये सिर्फ एग है। लुसंग बोलते अच्छा है बहुत अच्छा। फिर लुसंग अपने पिकैक्स को निकाल लेते और बोलते मैं इसे अभी तोड़ता हूँ। पियर बोलते कि रुको तुम इसे तोड़ नहीं सकते हो, वो भी हैरान होती है और बोलते ये तो ब्लैक स्टार पिकैक्स है, लुसंग बैरियर को तोड़ देती है। तो मार्शल आर्टिस्ट नोटिस कर लेते वो और बोलते बॉस ये बहुत बुरा है। बॉस बोलते क्या हुआ, वो बोलते कि किसी ने बैरियर को तोड़ दिया जो मैंने सेट किया था। बॉस हैरान होता है तो फिशिंग रोड वाला बोलते कैसे हो सकता है, हमें तो कैप्चर कर लेना चाहिए था ये विल ड्रैगन को और एंसेस्ट्रल ड्रैगन एग को वापस स्काईलॉर्ड्स के पास लेके जाना चाहिए था इस टाइम तक तो, क्योंकि एल्डर्स ने बॉस मो का लक भी बूस्ट किया था अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज करके। ये मिशन तो आसान होना चाहिए था पर ये चीजें हो कैसे रही है। उस फोर्ड वाला मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या वो वुमेन होगी जो पहले एस्केप कर गई थी। बॉस बोलता है ये तो इम्पोसिबल, वो वुमेन ऐसे तो गोड रियलम स्टेट में होगी पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं होगा कि उसने क्विंग फैंग के बैरियर को इतनी ज्यादा आसानी से तोड़ दिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि पियर क्या कर रही होगी इस टाइम पे, वो वापस नहीं आई है। वो बोलती है यूजी तुम जाओ और चेक करो। यूजी बोलता है ठीक है। लुसंग ऐसे घूम रहा होता है अंदर, लुसंग पीछे की तरफ देखता है और बोलता है ये भी मेरे को फॉलो कर रही है, जो फ्लो ऑफ टाइम है वो यहाँ पे बड़ा फास्ट है, मेरे को जल्दी से एग के पास जाना पड़ेगा। लुसंग बोलता है ये टावर, मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरह के ट्रैप्स हो गए अंदर, क्योंकि कोई भी डिवाइन सी रियलम का मार्शल आर्टिस्ट ने अभी तक मतलब कभी भी एग को ऑब्टेन नहीं कर पाए, इतना सा टाइम हो गया। फिर भी वो जो गेट होता है वो ओपन होता है, लुसंग देखता है, लुसंग ऊपर की तरफ जा रहा होता है और एंटर कर जाता है। अंदर बड़ी सारी सीढ़ियां होती है और वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। लुसंग ऐसे सीढ़ियों में चढ़ रहा होता है, वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे एंसेस्ट्रल ड्रैगन एग होता है वो चेन से बंधा होता है। लुसंग बोलता है क्या ये वो, फैंग बोलती है हाँ यही एंसेस्ट्रल ड्रैगन एग, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकते हो। लुसंग हैरान होता है बोलता है मुझे पता है डिफिकल्ट है, तुमने मुझे रिमाइंड कर दिया कि मैं इसे फ्री कर सकता हूँ ब्लैक स्टार पिकैक्स से। लुसंग जैसे पिकैक्स को मारता है वैसे चेन से वो चेन से पास आउट हो जाती है। लुसंग बोलता है क्या ये इल्यूजन है, फैंग बोलती है हंसते हुए कि मेरी जो एस्टिमेशन है वो सही थी, ये फिफ्थ लेयर है लो ऑफ स्पेस की जिसे रिफ्रैक्शन बोला जाता है, जो एंसेस्टर ड्रैगन है वो एक्चुअल में किसी दूसरे डिफरेंट प्लेस पे सील है, इसलिए तुम इसे टच नहीं कर पा रहे हो, ऐसे तो तुम देख पा रहे हो इसे। लुसंग सोचता कि फिफ्थ लेवल लो ऑफ स्पेस का, ये हैरानी की बात नहीं कि कोई भी इसे ले नहीं पाया। फैंग बोलती हाँ ये सही है, जो तुम देख रहे हो वो रिफ्रैक्शन है दूसरे स्पेस की, तो इसे कोई भी ऑब्टेन नहीं कर सका। मैंने अपने टाइम पे ज्यादा लो स्पेस के ऊपर फोकस नहीं किया था तो मैं भी फर्स्ट लेवल पे ही हूँ। लुसंग बोलता तो बैरियर का क्या पर्पस था, फैंग बोलती है वेल मेरा गैस यही है कि जो एग है वो वापस आ जाएगा हमारे स्पेस में जब वो हैच हो जाएगा, ऐसे तो वो सील्ड है डिफरेंट प्लेस पे पर वो वापस आ सकता है। वो जो स्काईलॉर्ड है वो बड़ा ज्यादा प्रोफिशिएंट है लो ऑफ स्पेस से, उन्होंने फ्लो ऑफ टाइम को इंक्रीज किया ताकि जो एग है वो जल्दी हैच कर जाए। लुसंग ये देख के हैरान होता है। लुसंग बोलते है जिस मोमेंट में वो हैच होगा तो मुझे उसे जल्दी से ग्रैब करना पड़ेगा स्काईलॉर्ड से पहले। फैंग बोलती है हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि हम इतने ज्यादा फॉर्चुनेट हो भी नहीं सकते हैं, ऐसे तो जो फ्लो ऑफ टाइम है वो जल्दी है पर जो हैचिंग वो जैसे हैचिंग बोलती है तो ड्रैगन हैच हो जाता है, वेल एग थोड़ा सा क्रैक पड़ जाता है उसमें। लुसंग ये देख के हैरान होता है। फैंग बोलती है वाह तुम्हारा जो लक है वो बड़ा ग्रेट है, ये एग तो सच मुझे हैच हो रहा है, हमें बस थोड़ा सा और ज्यादा वेट करना है। फिर भी वहाँ पे पहुंच रही होती है, लुसंग पीछे देखता है हैरानी से। फिर पहुंच गई होती है वेल, वो बोलती है कि मैंने तुम्हें एक बार माफ कर दिया है पर क्विंग फैंग तुम्हारे लिए काइंड नहीं होगा क्योंकि तुमने उसके बैरियर को तोड़ दिया है, मैं यही बोल रही हूँ कि इस प्लेस को छोड़ दो वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। लुसंग बोलते है वुमेन यहाँ पे पहुंच गई है क्या हम रिट्रीट करें, फैंग बोलती है नहीं हम अभी रिट्रीट नहीं कर सकते हैं, हम इसे डिले करने की कोशिश करते हैं, जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन एग है उसके पास हैबिट है इम्प्रीट करने की, जिस फर्स्ट क्रिएचर को वो देखता है उसे वो अपने पेरेंट की तरह ट्रीट करता है, ये उसका एज अ पेरेंट बन जाएगी तो हम अभी वापस नहीं जा सकते हैं। तो लुसंग बोलता है अब हम क्या करें, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गई है। लुसंग बोलता है कि किसी चीज के बारे में सोचो और टाइम को बाय करो। पियर बिल्कुल लुसंग के सामने होता है। लुसंग बोलता है हाँ क्या तुम स्काईलॉर्ड्स हो, पियर हैरान होती है बोलती तुम्हें कैसे पता, लुसंग बोलता है क्योंकि मैं भी तुम में से एक हूँ, ये सुन के पियर हैरान होती है बोलती है क्या। लुसंग और पियर एक दूसरे के सामने होते हैं, फैंग बोलती है क्या तुमने तो मेरे को कभी ये बताया नहीं, वेल मेरे को लगता है कि टाइम मिल जाएगा इससे, हमें बस यही चाहिए कि जो लुसंग है वो इससे बात करे उस वुमेन को डिस्ट्रैक्ट करे। पियर बोलती है तो इम्पोसिबल है, स्काईलॉर्ड्स के पास एक स्पेशल मार्क होता है, मैं उस मार्क को सेंस कर पाती अगर तुम हम में से एक होते तो। लुसंग बोलता है कि तुमने शायद नोटिस किया होगा कि ये बॉडी मेरी नहीं है ना, पियर बोलती है हाँ ये ट्रू है, तुम इस बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो अपने सोल से और सोल कोर को यूज करके पर तुम एक्चुअल में एक दूसरी लिविंग बॉडी में रहते हो, तुमने बोला कि तुमने ऑब्टेन किया अप्रूवल स्काईलॉर्ड्स का पर कैसे हो सकता है, ये तुम एक लोअर रियलम के मार्शल आर्टिस्ट से तुमने वो कैसे ऑब्टेन किया। लुसंग बोलता टावर से, मेरे को वो टावर से मिला अंदर से। पियर बोलती क्या तुम उसकी बात कर रही हो, तीन ट्रेनिंग टावर में से एक, वो सोच रही होती कि जीनियस इसको भी मतलब टेस्ट को पास करना पड़ता है और लिस्क ऑफ टैलेंट का मतलब ट्रेनिंग टावर में भी, हम एक टावर को तो वैसे लॉस कर चुके थे। पियर बोलती कि क्या नाम है उस टावर का, लुसंग बोलता टावर ऑफ सिन। लुसंग ने वो एग अपनी पीठ के पीछे छुपाया होता है और उसमें बड़ा क्रैक्स पड़ रहे होते हैं, लुसंग पीछे की तो देखता है वो। पियर बोलती नहीं जिस टावर को हम हार चुके थे वो नहीं है पर जो नाम है मेरे को लगता है कि वो चेंज हो गया होगा। लुसंग बोलते वो 15 लेवल में सेपरेटेड है, मैं ओब्लिस्क ऑफ टैलेंट से टेस्टेड हुआ था 10th लेवल में, मुझे नाम भी याद है फर्स्ट रो में, वो यून था, गु हेची
था या हुवर्स कुछ और थे। पियर बोलती है गू हेचीवेल क्या नाम है, सच जी यू ये सच क्या बोलूं मैं। वो बोलते कि वो मेरे फादर का नेम है, मुझे पता लग गया। तुम लिंगलोंग टावर में थे, वो अब कहां पे है। रुजंग चुप होता है। रुजंग सोच रहा था कि नहीं अगर मैं इसे बता दूंगा तो ये उसको अपने साथ नहीं ले जाएंगे। अगर वो उस टावर को अपने साथ ले जाएंगे तो जो ह्यूमंस और डीमन नाइट्स की ग्रोथ है वो रुक जाएगी और वो डीमंस को मतलब मैच नहीं कर पाएंगे थोड़े अमाउंट ऑफ टाइम में। ये सही नहीं है। सो गाइस चैप्टर नंबर 219 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भाई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।